हाय यूट्यूबर्स, थोड़ा सा हमें काम करना है इस बैटरी के ऊपर। इसकी थोड़ी हमें स्पॉट वेल्डिंग भी सही करनी है, एक दो स्ट्रिप्स और ऐड करनी है। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं कि ये किस तरह से जो है ना, हम इसके ऊपर स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं। और स्पॉट वेल्डिंग का भी रिव्यू है वैसे वीडियो में, वो भी आप देखें कि ये स्पॉट वेल्डर कौन सा है और किस तरह से स्पॉट वेल्डिंग करता है। अभी हम इसे ऑन कर लेते हैं। थोड़ी हम इसके ऊपर स्पॉट वेल्डिंग करेंगे, इसका कनेक्टर चेंज करेंगे और उसके बाद जो है ना, वो मीटर भी अटैच करेंगे इसके साथ। अच्छा, तो अभी हमें ये वाली स्ट्रिप इसके ऊपर लगानी है, स्पॉट वेल्ड करना है इसको। ये आप देखें कि मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग जो है ना, वो इसके ऊपर हो रही है स्पॉट वेल्डिंग। ये जितनी स्ट्रॉन्ग होती है उतना ही सेल्स जो है ना, इसके साथ अच्छे से अटैच होते हैं और सही से करंट ड्रॉ होता है और बैकअप टाइम हर चीज़ उतना ही अच्छे से देते हैं। और एक सेल के ऊपर तकरीबन 6 से 8 दफ़ा जो है ना, ये स्पॉट वेल्डिंग हो रही है ताकि ये मज़ीद अच्छे से अटैच हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास सारी कंप्लीट है, इस तरफ सारी लग चुकी है। अब इसकी दूसरी साइड पर हम देख लेते हैं। इस तरफ जो है वो एक और स्ट्रिप ऐड होगी, बाकी ये तो ये ओके है, ये ठीक है। तो एक स्ट्रिप जो है वो हम यहाँ पे भी इसको ऐड कर देते हैं। ये लगाते हुए आपने ये ख्याल करना है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लगे, सही लगे। हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा इसका करते हैं कनेक्टर्स पर काम। इसको हम ऑफ कर देते हैं, स्पॉट वेल्डिंग को। और कनेक्टर जो है वो मुझे इसका चेंज करना है, ये वाला। इसकी जगह मैं इसको ये वाला कनेक्टर लगाऊंगा, ये फिर हमारा इसके साथ कनेक्शन में इजी हो जाएगा। इसी मीटर के ऊपर हमें बैकअप और हर चीज़ जो है ना, वो मिल जाएगी। इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, फिक्स करते हैं। और इस कनेक्टर को जो है अब मुझे निकालना है। इसको हम निकाल लेते हैं और कनेक्टर को रिमूव करके इसकी जगह हम दूसरा लगा देते हैं। अच्छा, इस टाइम पे आपने ये ख्याल करना है कि ये काम करते हुए आपका मतलब प्लायर जो है, प्लास जो है, या कटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो इन दोनों वायर्स को टच ना हो, क्योंकि अगर इन दोनों के साथ ये लगता है तो ये शॉर्ट सर्किट कर सकता है। वैसे तो BMS में होती है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है, लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। अब इसको हम यहाँ से लगाते हैं, इधर से।
ये वायर हमारी आउट हो गई। अब खैर है, अब भले ये दोनों वायरें आपस में टच हो जाएं, कोई इशू नहीं है। फिर इसमें हमें प्लस माइनस का भी ख्याल करना है। अच्छा, एक ये है चार्जर है, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप इस बैटरी को किस तरह से बेहतरीन चार्ज कर सकते हैं। एक बैलेंसिंग चार्जर है, वो सबसे बेस्ट रहता है इसके लिए। क्योंकि इन बैटरीज को अगर इस बैंक को हम एक दफ़ा बैलेंसिंग चार्जर कर दें, बैलेंसिंग चार्जर के साथ चार्ज कर दें, तो इनका बैकअप फिर बहुत अच्छा आ जाता है और सारे के सारे सेल्स जो हैं वो अच्छे से फुली चार्ज हो जाते हैं। अगर कभी आपका कोई मसला आता है कि आपका ये जो बैटरी बैंक है ये डिसबैलेंस हो जाए, तो उसके लिए है वो, सबसे बेस्ट है। ये आ जाएगा इसका प्लस का। और यहाँ आएगी इसकी माइनस। तो अब इसमें इसकी जो माइनस है वो ये है। अच्छा, इसमें हम लगाएंगे ये वाली, हमारे पास हैं कुछ श्रिंक ट्यूब्स। ये हम इसलिए लगाएंगे ताकि श्रिंक ट्यूब के साथ ये जो वायर है वो बिल्कुल सेफ हो जाए। तो अब हमारे पास प्लस प्लस वाली ये है जो उस साइड लगेगी, और माइनस जो है वो ये है, तो माइनस हम इसके साथ लगाएंगे। पहले हम ऐसे करते हैं, इसके साथ प्लस को ऐड करते हैं। ये जो आप टांका जिस टाइम पर लगाएंगे, सोल्डरिंग करेंगे, ये अच्छे से मेल्ट होके उसके साथ अटैच होना चाहिए। ये हमारा ठीक से लग गया है। अब हमें लगाना है प्लस की वायर। और ये हमारी प्लस वाला भी ठीक से मेल्ट होके लग रहा है। अब हम इस पे इसको कर देंगे आगे ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। इसको भी हम थोड़ी सी हीट देंगे ताकि ये सही से इसके साथ चिपक जाए, श्रिंक हो जाए ट्यूब, और ये हमारा कनेक्टर जो है ना, ये इसके साथ वायर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी, ये फिर कहीं भी नहीं जाएगा। चलो
अच्छा ये लग गया है। अभी हम इसके साथ इसको चेक करते हैं मीटर को। अब हमारे पास प्लस प्लस साइड हो गया, माइनस माइनस साइड, और इसको चेक करते हैं अभी हम लगा कर मीटर को भी। आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, हाँ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये 12.56 पर है। 12.60 पे कंप्लीट बैटरी फुल होती है, तो ये 12.56 पर है। अब इसके ऊपर हम लोड वगैरह कोई भी चीज़ जो है वो हम इसके ऊपर चला सकते हैं, और हमें यहाँ से पता चलेगा कि कितना लोड इसके ऊपर चल रहा है। तो इसको अभी हम फिलहाल उतारते हैं, इस बैटरी को मज़ीद जो है ना हम पैक करते हैं। वैसे इसके लिए एक मैं दूसरा पेपर यूज़ करता हूँ, लेकिन फिलहाल हम अभी के लिए जो है ना मैं इसको इसी में पैक कर रहा हूँ। अच्छा, इस पे मुझे एक और चीज़ भी करनी है, इसके साथ ये वाली वायर्स भी मुझे ऐड करनी है, तो इनको भी हम लगाते हैं। ये फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बैलेंसिंग में जो है ना हमारे पास काम करेंगी यही वाली वायर्स, और किस तरह से करती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, इनको लगाने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें हम इस पे बात करेंगे, इनको हम वायर को किस तरह से इसके साथ अटैच करेंगे। तो वाइट वाली जो है इसको मैं ले लेता हूँ नेगेटिव, तो ये जो वाइट आएगी हमारे पास लगेगी इधर 0 पे। वाइट को हम लगा देंगे यहाँ से, इसको इधर नीचे फिट करेंगे, वाइट आएगी हमारे पास नेगेटिव पे, और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास वायर आएगी ये वाली, ये जाएगी इस साइड पे, ये वहाँ पे लगेगी 4.2 पे। थर्ड ये रेड वाली ये आ जाएगी हमारे पास इधर 8 पे। अच्छा, ये सेकेंड एक तो चली जाएगी यहाँ से नीचे को, यहाँ से इसको डालते हैं, मज़ीद मैं इसको ओपन करूँ, मैं इसकी थोड़ी सी कर लेता हूँ सेटिंग, ये जाएगी हमारी वायर यहाँ से, और सेकेंड हमारी आएगी इसके ऊपर, तो इसको हम निकालते हैं इधर से, क्योंकि इसको मैं रखूँगा इसके नीचे करके। और ये मैं वायर्स क्यों लगा रहा हूँ, किस लिए लगा रहा हूँ, ये भी मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट तो हम सबसे पहले जो है ना इस वायर को अटैच करते हैं, तो ये हमारे पास आएगी माइनस पे, तो माइनस हमारे पास आता है ये वाला पॉइंट, हाँ ये आ जाएगा माइनस। इस माइनस वायर को आप यहाँ पे कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं, जैसे मैं इसको अटैच करता हूँ इस जगह पर, यहाँ इस पॉइंट पर। पहले हम इसके ऊपर थोड़ी सी कर लेंगे सोल्डरिंग, इस जगह मैं अटैच कर लेता हूँ इस वायर को, ये हमारे पास आएगा माइनस का पॉइंट।
ये हो गई माइनस पे, वाइट वाली सेकंड आती है हमारे पास ये वाली, इसको हम लगाएंगे प्लस पे, मतलब 4.2 पे ये वायर आएगी हमारे पास इस जगह पे। इसको हम अटैच करते हैं इधर इस पॉइंट पे, यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है, वहाँ पे पहले से सोल्डरिंग भी है थोड़ी सी। कोशिश ये करें आप भी कि इनको माइनस वाली जो आती है ना ये स्ट्रिप्स, उनके ऊपर आप इनको कनेक्ट करें। क्योंकि प्लस वाली जो होती हैं वो यहाँ पे, जैसे ये प्लस वाली हैं वहाँ ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मेल्ट होती हैं। लेकिन नेगेटिव का तो ये सारा पूरा सेल का जो एक साइड होती है ये सारी माइनस ही होती है, नेगेटिव पॉइंट ही होता है। ये हमारे पास हो गई सेकेंड, उसके बाद हम ऐड करेंगे थर्ड। थर्ड वाली हमारी वायर आएगी 8.4 पे, जो आएगी इस जगह। तो थर्ड हमारे पास आती है रेड, रेड वायर, रेड को हम लगाएंगे इधर इस जगह करके। तो ये भी माइनस वाला पॉइंट है, हम उसी जगह इसको सोल्डरिंग करेंगे। ये हो गई, अब हमारे पास फोर्थ बचती है। हमने वाइट लगा दी, उसके बाद ब्राउन, फिर और रेड, और उसके बाद अब बचती है ब्लू। ब्लू को जो है वो हम लगाएंगे टोटल इसके प्लस पॉइंट के ऊपर, जो प्लस पॉइंट ये वाला आ रहा है इसके ऊपर हमें लगानी है। और हम इसको लगाएंगे इधर इस जगह करके। तो इसके लिए भी हम पहले ये करेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे। सबसे ज़्यादा ख्याल जो है ना हमें इसी चीज़ का रखना है। कि ये थोड़ी सी ऊपर को हो जाए, उसके बाद आप इसको सोल्डरिंग करें। अब ये देखें जैसे मैं टेस्टर यूज़ करूँ, आपने ख्याल रखना है ये नीचे टच ना हो, क्योंकि दोनों ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। यहाँ भले टच हो जाए, ये सेम सेल है, लेकिन उसके साथ होगा तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, वो भी शॉर्ट सर्किट कर सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा छील लें, छील के जो है ना हम इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं। तो बस हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि हम एक मीटर के साथ इसको, सारे सेल्स की वोल्टेज को हम एक ही सिंगल मीटर के साथ कैसे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल कम से कम मतलब इसको रखें, ये भी हमारा हो गया कंप्लीट।
सेफ है, ठीक है, ओके है। अब हम करते हैं इस पूरी बैटरी को इन वायर्स के साथ हम चेक करते हैं, इस मीटर के साथ। तो यहाँ पे नेगेटिव सबसे पहले हम लगाएं, नेगेटिव थी हमारी वाइट वाली, वो आ जाएगी इधर। ये देखें, ये आ गए इसके टोटल वोल्टेज, और ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फिर ये टोटल 98% हमारा जो है ये बैटरी पैक चार्ज है इस टाइम पर। अब सेल जो है इसके बैलेंस हो रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल वायरिंग ओके है, वायरिंग हमारी सेट हो गई है। इस वायर को हम इसके साथ ही रखेंगे यहाँ पे। इसको हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा, हम इसको ताकि पैकिंग कर लें इसकी। अच्छा, अगर इसको इस तरह से डालें तो ये पूरा नहीं आएगा। ये एक्चुअली मैंने बैटरी बनाई थी अपने हिसाब से पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसको इसलिए जो है ना मैं इसकी इस तरह से पैकिंग कर रहा हूँ। और चीज़ें सारी मैंने आपसे इसलिए शेयर कर दी कि आपको भी पता चल जाएगा कि हमें वायरिंग किस तरह से करनी है, क्या चीज़ हमें कैसे करनी है, सारी चीज़ों के बारे में आपको भी नॉलेज मिल जाएगा। अब इसके बीच में हमने एक ये चीज़ रखनी है जो मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे हम एक गत्ता टाइप का ये चीज़ ऐड कर देंगे, ताकि जिससे अगर BMS के ट्रांजिस्टर्स वगैरह किसी वजह से भी हीट होते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो हम इसके बीच में ये एक स्पेसर दे देते हैं, ताकि ये हो जाए सेफ। अब ये BMS सेल्स को हीट नहीं करेगा, क्योंकि ये अगर ज़्यादा इसके ऊपर लोड आता है तो ये रजिस्टर जो हैं ये अक्सर इसके मॉस्फेट्स वगैरह हीट होते हैं। इसकी पैकिंग हो के ये बिल्कुल ज़बरदस्त बैटरी पैक हो जाएगा। अगर कोई भाई बनवाना चाहेंगे उनको मैं पैकिंग इसकी अलग से करके दूंगा, ये फिलहाल मैं सिर्फ अपने हिसाब से कर रहा हूँ। फिर मैं इसके लिए हीट श्रिंक एक पेपर आता है वो यूज़ करेंगे हम, और बैटरी की अच्छी सी पैकिंग हो जाएगी। इससे भी जब ये जिस टाइम पर पैक हो जाएगी आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई ज़बरदस्त पैकिंग है, अच्छी लग रही है। और ये ट्रांसपेरेंट मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि सेल्स की जो कंडीशन है ना वो नज़र आती है, और ये हर चीज़ से सेफ भी हो जाए, डस्ट वगैरह इस तरह की सारी चीज़ों से ये बैटरी पैक सेफ भी हो जाए। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा हमारी इस पैकिंग से कि अगर कोई भी चीज़ इसको, अभी जैसे मैंने ये ग्लास भी रखा है, कोई भी चीज़ हम रखते हैं इसके ऊपर या ये किसी चीज़ को टच भी हो जाए तो किसी किस्म का कोई भी इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं आएगा।
ये हो गया हमारा। क्योंकि हमने इसकी वायर्स वैसे ही अलग कर दी हैं, तो हम जो भी चीज़ इसके सेल्फ को एक एक करके भी चेक करना चाहेंगे वो हमारा चेक हो जाएगा। अब हमें इसके कनेक्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो बैटरी पैक बना है, ये बना है 190 वॉट आवर का, 12 वोल्ट का है, 190 वॉट आवर का। ये मतलब है अगर आप एक छोटा फैन चलाते हैं जो गर्मियों में अक्सर यूज़ होते हैं, जो 12 वाट का है, ये बैटरी पैक उसको पूरी रात चला सकता है, फुल मतलब नाइट जो है ना, ये आपको बैकअप टाइम दे सकता है उस पंखे के लिए। और अगर आप छत वाला सीलिंग फैन चलाते हैं उसके लिए भी ये तकरीबन 5 आवर्स का जो है ना इजीली बैकअप दे देगा ये बैटरी पैक। छोटा सा बैटरी पैक है, कोई बड़ा नहीं है, इसको रखना उठाना हर चीज़ बहुत इजी है, बहुत आसान है, सेफ है, साफ़ सुथरा है ये बैटरी पैक। इसको आप यहाँ से ही चार्ज करें, यहीं से आप इसको डिस्चार्ज करें। हर तरह से मतलब ये सेफ हो गया अब, और यूज़ करना भी इसको बहुत इजी है। कोई इसमें एसिड निकलने का मसला नहीं, कहीं पे कोई दाग, कोई जगह ख़राब होने का किसी तरह का कोई भी मसला नहीं है, और ये अच्छे से अब हो चुका है पैक। ये बिल्कुल डस्ट प्रूफ हो गया है। बिल्कुल सेफ। इस वायर को भी आप यहाँ लगा सकते हैं, अगर आपके यूज़ में नहीं है तो आप इसको भी यहाँ पे टेपिंग कर दें और सिर्फ इन दो वायर्स को आप यूज़ करें, तो ये आपके पास एक्सीलेंट ज़बरदस्त जो है ना, अब ये आपके पास बैटरी पैक बन के रेडी हो चुका है। ये वायर्स हमारी चेक करने के लिए यूज़ होंगी, जब भी हमें सेल्स की कंडीशन चेक करनी होगी, सारे के सारे सेल्स की, कि भाई ये सेल्स कैसे हैं, पर एक एक सेल के वोल्टेज कितने हैं, हर चीज़ अगर हम चेक करना चाहेंगे। आप मीटर से भी इन चारों वायर्स को चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ पर इसके साथ भी अटैच करके आप इनको चेक कर सकते हैं। इन वायर्स को आपने अटैच करना है बिल्कुल एक साथ, ये जैसे ही है 12.54, फर्स्ट 4.25, सेकंड 4.11, थर्ड 4.17, 4.23, 4.2, मतलब 4.2 पे ही है। थोड़ा ये 0.5 का जो है ना, ये इसका प्लस माइनस होता है। ये इस बात खुद को जो है वो बैलेंस भी कर रहा है। सारे सेल हमारे 4 से ऊपर हैं, 4.25, 4.10, 4.15 और टोटल 12.53, मतलब तकरीबन ये 95% जो है ना चार्ज है इस वक्त। इसको हम फुल चार्ज करेंगे। अब हमें जो भी इसके ऊपर लोड टेस्ट करेंगे, हम लोड भी टेस्ट करेंगे, उसके भी हमें इसके ऊपर आइडिया हो जाएगा इस मीटर के थ्रू। ये एनर्जी मीटर है, हम इसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं। सारी जो हमारे पास, ये ऑन हो गया, सेम वोल्टेज ये भी देगा 12.55, और इसको हम ज़ीरो कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितनी जो है ना ये हमें पावर दे रहा है इस बैटरी पैक की। अब इस बैटरी पैक को आप चाहे छत वाले पंखे के लिए यूज़ करें, किसी भी फ़ैन के लिए यूज़ करें। इस ये मैंने पर्सनल बनाया था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा सेल्स यूज़ किए हैं। अगर आप भी 20 एम्पेयर का बैटरी पैक बनवाना चाहें, 10 एम्पेयर का, 25 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 50 तक,
तो वो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बना देंगे और पैकिंग भी उसकी सही होगी। अब अगर इस पैकिंग की भी हम बात करें तो ये भी बिल्कुल आपका यूज़ करने वाला है, लेकिन हम इसको कॉटन में अच्छे से आपको पैक करके देंगे, कॉटन के बॉक्स टाइप करके, ताकि ये आपके लिए रखना उठाना बिल्कुल ईजी हो जाए, डस्ट प्रूफ हो जाए, सेफ हो जाए। और ये हल्का है, इसका वेट जो मैंने किया है वो तकरीबन आया है 2.55, 2.6, या ये समझ ले 3 के अंदर अंदर है इसका जो वेट है, 3 kg के। तो इसको आप कहीं पे भी इजीली उठा के रख सकते हैं, पूरी रात का आपको ये फैन का बैकअप देगा, पूरी रात आपका फैन इसके ऊपर चल सकता है इजीली, कोई मसला नहीं आएगा।